केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत जनपद के सहजनवा में बने अटल आवासीय विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित किए जाने को लेकर गिडा वीसी अनुज मलिक ने संबंधित अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान गिडा वीसी ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर सुविधाओं का विस्तार किया जाए। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय परिसर में ही आईटी सेल का निर्माण कर परिसर को सीसीटीवी कैमरा युक्त किया जाए, जिससे किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटा जा सके। तो या तो आप उसको रिप्लेस करवाइए, उन आइटम्स को छोड़ करके बाकी का भुगतान करवाइए, और जब वो रिप्लेस हो जाए तो उसका भुगतान पेमेंट करेंगे, और नहीं करता है तो फिर जो भी उसका ईएमडी डिपॉजिट है उसमें से कटौती कर लेंगे। जो आइटम्स पे सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट नहीं है कमिटी की, उसका उनको छोड़ करके जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है, एक बुक शेल्फ का मुझे पता है कि जिसमें डबल साइडेड नहीं है, और भी किसी आइटम में कोई कमी है? शासनादेश है मैम, इसमें ये लिखा हुआ है कि लेबर कमिश्नर का और शासन का भी लेटर था कि समायोजन कर लिया जाए, बजट की डिमांड उसके बाद की जाए, पहले आप समायोजन अपने स्तर पे करिए कि अगर एक मद में पैसा बचा हुआ है दूसरे मद में कमी पड़ रही है तो आप समायोजित करते हुए उसके सीसीटीवी पीए सिस्टम और लीज लगेगी। जी मैम, ये के लिए बजट की डिफिशिएंसी है। तो लेकिन अभी तो हम आईटी इक्विपमेंट के लिए कर रहे हैं। हां, आईटी के लिए है मैम, ये आईटी का भी इसमें पैसा है, हम उसी से भुगतान करेंगे। लेकिन आईटी इक्विपमेंट में हमें एक मद का भुगतान दूसरे मद से पैसा लेना पड़ेगा, तो पहले उसमें समायोजन किया जाना अगर संभव है, उसकी लेखा विभाग से या ट्रेजरी से इसकी रिपोर्ट लगवाइए और तब इसमें काम करें। अन्य सामग्री में हमें 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, तो इसका पैसा हमें अन्य सामग्री की मद से करना पड़ेगा। और बाकी तीनों आइटम्स के लिए लिखा हुआ है कि विभिन्न जो बाकी खातों में बचत होगी उससे होगा, तो इसमें ट्रेजरी से एक रिपोर्ट लगवा कर तभी